कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे, एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है। बजरंग बली की कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं ने बजरंग बली के नाम का इतनी बार जिक्र किया कि शायद वे साल भर में भी नहीं करते होंगे, लेकिन हुआ वही जो जनता ने तय कर रखा था। जनता ने वोट की ऐसी चोट की कि सारे हवा हवाई मुद्दे हवा हो गए। कांग्रेस ने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। इसके बाद कांग्रेसियों का जोश सातवें आसमान पर है। कुछ कुछ तो जोश में होश भी खो दे रहे हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक कर्नाटक में कुछ कांग्रेसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें फटकारा भी। हालांकि वीके न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यही दावा किया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेता भी जोश में है और बेंगलुरु से लेकर दिल्ली और एमपी से लेकर यूपी तक पार्टी के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी जीत के बाद ऐसा बयान दे दिया है जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत की वजह बन सकता है। दरअसल राज्य के चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था, लेकिन इस पर जब विवाद हुआ तो पार्टी अपने इस वादे से पलट गई थी और उन्होंने ऐसे किसी भी वादे से इनकार कर दिया था। लेकिन अब चुनाव जीतते ही फिर कांग्रेस के नेता बजरंग दल को बैन करने की बात करने लगे हैं। वन इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि राहुल ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, ये उसका असर है। कर्नाटक की जनता को नफरत नहीं पसंद, ऐसे में उसने बीजेपी को नकार दिया। बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिला है, हम चुनाव जीते हैं तो बजरंग दल बैन ही होगा। साथ ही चुनाव नतीजों पर इमरान प्रताप गढ़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने कर्नाटक को नफरत की प्रयोगशाला में बदलने का प्रयास किया, हिजाब हलाल जैसे मुद्दे उठे, चुनाव प्रचार में गृहमंत्री ने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर खुलेआम नफरत बांटी, लेकिन जनता ने सब नकार दिया। मोहब्बत की दुकानें खुलने लगी है और नफरती दुकानों के शटर बंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में इमरान के नाम पर काफी विवाद भी हुआ था। यूपी के माफिया अतीक अहमद के साथ इमरान के करीबिया जग जाहिर है और इमरान को कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार किया था। सूत्रों के मुताबिक स्टेट यूनिट ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी और स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन आला कमान में उनकी एक बात नहीं सुनी। हालांकि चुनाव में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। अब देखना यह होगा कि क्या बाकी कांग्रेसियों का भी बजरंग दल को बैन करने को लेकर यही रवैया रहता है, या फिर इमरान का इसे निजी बयान बताकर कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।